काली काली आँखें, ये गोरे गोरे का। ये गाना जब भी सुनाई देता है तो याद आ जाती है शाहरुख खान की बाजीगर की, जहाँ पे ये एक हिट रोमांटिक ट्रैक थी। और इसी नाम की जब एक वेब सीरीज रिलीज होती है तो हमें भी लगता है कि वो एक रोमांटिक वेब सीरीज होने वाली है। लेकिन हर काली काली आंखें रोमांटिक नहीं होती है, कुछ जानलेवा भी होती है। और ये काली काली आंखें वेब सीरीज एक क्राइम थ्रिलर है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ अहिजीत और सिनेमा पागल चैनल में आपका स्वागत है। और आज हमारे एपिसोड में हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स से रिलीज हुई वेब सीरीज काली काली आंखें के बारे में। वेब सीरीज की कहानी बहुत ही सिंपल है, जहाँ पे दिखाया जाता है विक्रांत सिंह राजपूत मतलब ताहिर राजभासिन एक तरफा प्यार के शिकार हो जाते हैं। एक तरफा क्यों? क्योंकि उसके ऊपर नज़र पड़ जाती है पूर्वा की। पूर्वा रहती है सिटी के सबसे पावरफुल पॉलिटिशियन अखिराज अवस्थी की बेटी। और जब से नज़र पड़ती है पूर्वा की विक्रांत के ऊपर, तब से विक्रांत की लाइफ हेल हो जाती है, आग लग जाती है उसमें। स्टोरी में दिखाया जाता है कि स्टार्टिंग में विक्रांत अपनी कहानी बोल रहा है, जहाँ पे वो डरा सहमा सा एक रूम में है और उसको ढूंढते हुए बहुत सारे आर्म्ड आदमी लोग आए हैं उसको मारने के लिए। विक्रांत अपनी लाइफ की कहानी बताता है, जहाँ पे विक्रांत के फादर अखिराज अवस्थी के वहाँ पे काम करते हैं एज अकाउंटेंट। पूर्वा और विक्रांत जब छोटे रहते हैं तो दोनों एक ही स्कूल में जाते हैं और पूर्वा वहीं पे विक्रांत को देख के क्रश खा बैठती है। लेकिन विक्रांत को हमेशा पता रहता है कि अगर पूर्वा उसकी ज़िंदगी में आ जाए तो उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। फिर दिखाया जाता है कि पूर्वा को शहर छोड़ना पड़ता है पढ़ाई के लिए। फिर विक्रांत बड़ा हो जाता है और उसे कॉलेज में मिलती है एक लड़की जिसका नाम शिखा रहती है। शिखा और विक्रांत दोनों क्लोज हो जाते हैं और एक टाइम पे आके वो लोग शादी करने का, घर बसाने का सोचते हैं, लेकिन भगवान तो कुछ और ही प्लान करता है। एक तरफ विक्रांत शिखा को चाहता है और दूसरी तरफ पूर्वा किसी भी हाल में विक्रांत को। फिर अखिराज अवस्थी जो पूर्वा के फादर रहते हैं वो प्रेशराइज करते हैं विक्रांत को पूर्वा से शादी करने के लिए। और इसी के साथ ही साथ शुरू हो जाती है एक चूहे बिल्ली वाला खेल। स्टोरी की बात करें तो ये एक सिंपल सी स्टोरी है, लेकिन इसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स रहता है। 8 एपिसोड्स की फर्स्ट सीजन है और हर एक एपिसोड में कुछ ना कुछ होता रहता है। ये चूहे बिल्ली वाला खेल, ये ट्विस्ट एंड टर्न्स 8 एपिसोड के लिए थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, तो हमें 4th, 5th और 6th एपिसोड में थोड़ा सा ड्रैग लगा इस वेब सीरीज के। एक्टिंग की बात करें तो ताहिर राजभासन इज अ वेरी गुड एक्टर और यहाँ पे विक्रांत के रोल में भी वो काफ़ी एप्ट थे। साथ ही साथ श्वेता त्रिपाठी एज शिखा बहुत ही नेचुरल लगी। और दूसरी तरफ आंचल सिंह जो पूर्वा का कैरेक्टर प्ले कर रही थी वो भी बहुत ही कोल्ड और उनके कैरेक्टर के लिए बहुत ही एप्ट लगे। जो सपोर्टिंग कास्ट थे सौरभ शुक्ला, वैजेंद्र काला, सूरज यादव, अनंत जोशी, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी तरीके से अपना पार्ट प्ले किया। डायरेक्शन की बात करें तो सिद्धार्थ सेनगुप्ता ने एक अच्छा फर्स्ट सीजन हमें दिया, लेकिन इस फर्स्ट सीजन के एपिसोड्स में भी कुछ प्रॉब्लम्स थे। एक तो इसका थोड़ा सा पेस, थोड़ा सा मुझे कुछ कुछ जगह पे ड्रैग लगा, मुझे लगा कि थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया है। अगर 8 एपिसोड के जगह में अगर 6 एपिसोड होते तो मज़ा आ जाता। और एक प्रॉब्लम लगी मुझे इस वेब सीरीज की ह्यूमर कंटेंट में, जो मुझे लगी थोड़ी सी कम थी और जहाँ पे थी उतना इम्पैक्टफुल नहीं थी। तो ये सब चीज़ अगर थोड़ा मेंटेन होता तो और इन्जॉयबल होता शो। तो अब बात करेंगे ये वेब सीरीज देखे या फिर ना देखे। देखिए, मुझे लगता है कि ये वेब सीरीज इन्जॉयबल थी, कुछ कुछ जगह में थोड़ा ड्रैग थी, लेकिन मुझे लगा कि फर्स्ट एपिसोड देखने के बाद एक इंटरेस्ट बैठ जाएगा कि लास्ट एपिसोड में क्या होने वाला है वो आउटकम सोच के। हमारे पागलामीटर में हम इस वेब सीरीज का फर्स्ट सीजन को रेट करेंगे 3 out of 5। आज के एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। हमें प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नीचे का बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि ये काली काली आंखें आपको कैसी लगी।